हेलो 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 इचो हेलो, किस प्रकार के अच्छी आवाज़ आ रही है। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज फिर से एक आपकी नई और वीडियो में मेरे चैनल पर स्वागत है। सो गाइस, यार आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से बूफर्स में आप माइक को कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका माइक कनेक्ट नहीं होता तो उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताऊँगा कि वह किस प्रकार से कनेक्ट किया जा सकता है। सो कई भाई लोगों को प्रॉब्लम आती है कि माइक तो उनके पास कॉलर होता है, लेकिन बूफर्स भी उनके पास बीटी वर्जन 9 वाले होते हैं, बीटी वर्जन कोई सा भी हो। लेकिन वह कनेक्ट उसे नहीं कर पाते, उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसी प्रॉब्लम का आज सोल्यूशन निकालते हुए मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार से बूफर्स में कनेक्ट किया जाता है और किस प्रकार से यदि कनेक्ट नहीं होता तो उसके हम माइक का मजा किस प्रकार से ले सकते हैं ईचो के साथ और रिवर्ब के साथ। चलिए फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट। और एक बात और, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए इसी के साथ वीडियो करते हैं स्टार्ट। व्हाट्स अप गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास इस प्रकार के 8 OHM के यहाँ पर हमारे पास स्पीकर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास 8 इंचेस की बेस लगी हुई है। हमारे पास यहाँ पर लगा हुआ है, ये देखिए बीटी वर्जन 9 की हमारे पास ये होगी। यहाँ पर डिब्बी लगी हुई है जो कि यहाँ पर ब्लूटूथ का काम करती है। और यहाँ पर इसमें एक मैं आपको थोड़ा जूम कर कर दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आपको एक USB हब मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक ब्लूटूथ MP3 साउंड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम्स के बटन, मोड्स के बटन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको एक सिंपली डिस्प्ले में देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर एक ऑप्शंस होता है USB का, USB से ऊपर एक होता है ऑक्स केबल का। अब हम ऑक्स केबल में ही अपना चलाकर देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर ऑक्स केबल में ही हमारा क्या ये जो कि कॉलर माइक है हमारा ये वर्क कर पाता है या नहीं। सिंपली हम इसमें लगा कर देखते हैं। सबसे पहले से पावर सप्लाई दे देते हैं। चलिए फटाफट से दे देते हैं पावर सप्लाई। हमने सिंपली से पावर सप्लाई दे ब्लूटूथ मोड। सिंपली अब इस माइक को हम यहाँ पर लगा कर देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें मोड कर लेते हैं, वो वाला मोड कर लेते हैं जिससे हमें माइक अपना चलाना है। सिंपली हम इसमें वह मोड एबल कर लेते हैं। हम यहाँ पर मोड्स वाले बटन्स पर क्लिक करके हम यहाँ ऑक्स का मोड क्लिक कर लेते हैं। FM मोड, AUX मोड। सिंपली हमने यहाँ पर AUX मोड ओपन कर लिया है। AUX मोड में हम देखते हैं कि हमारा माइक यहाँ पर किस प्रकार से वर्क कर पाता है या फिर नहीं। सिंपली मैं अपने माइक की वायर यहाँ से निकाल लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं लगा कर। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर USB जैक का पिन, इसमें लगा देते हैं सिंपली। ये देखिए AUX मोड हमारा इनेबल हो चुका है। बोल कर देखते हैं हेलो हेलो। ये देखिए कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है। इसके ऊपर आपको इसका सोल्यूशन बताते हैं। चलिए इसको यहाँ पर निकाल देते हैं फिर से। इसका सोल्यूशन भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। चलिए इसका सोल्यूशन आपके पास यह है कि आपको सबसे पहले अपना मोबाइल ले लेना है। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर मोबाइल है। सिंपली यहाँ पर आपको जाना कहाँ है, आपको एक एप्लीकेशन का नाम बताऊँगा, वो है आपका, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। सिंपली आपको अपने मोबाइल में जाना है। सबसे पहले हम यहाँ पर मोड क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए हम यहाँ पर अपना मोड क्लिक कर लेते हैं, ब्लूटूथ मोड, और सिंपली अपने मोबाइल से कर लेते हैं कनेक्ट। ये देखिए अपने मोबाइल से कर लेते हैं कनेक्ट। ये देखिए हमारे पास यहाँ BT वर्जन 9 कनेक्ट हो चुका है। चलिए उस एप्लीकेशन का आपको नाम बता दूँ जिसे हम डाउनलोड
करना चाहते हैं। सो जिसकी मदद से आप ईच हो या फिर आपके घर में छोटा मोटा प्रोग्राम हो, सो इससे आप यहाँ पर उस एप्लीकेशन की मदद से आप यहाँ पर काम चला सकते हैं। उस एप्लीकेशन का नाम है लाइव माइक क्रोके। ये देखिए, ये रही वह एप्लीकेशन, यह है इसका नाम है। सो सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे सीधा ही डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर, ऐप स्टोर सभी जगह यह अवेलेबल है। सो चलिए सिंपली से कर देते हैं ओपन। सो जैसे ही हमने इसे ओपन किया तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये देखिए, आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो सिंपली आपको करना कहाँ है क्लिक, अभी आप मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी तो सिंपली आपको करना है क्लिक यहाँ पर FX पर। ये देखिए FX आपको देख नज़दीक से दिखा तो FX पर क्लिक करना है। ये देखिए FX पे आपने जैसे क्लिक किया, ऐड बटन पर क्लिक करना है। सो यहाँ पर आपको सिर्फ दो ही मोड ऐड करने हैं, ईचो, ये देखिए मैंने स्टीरो कर दिया सॉरी, तो यहाँ पर आपको ईचो और फिर से सिंपली रिवर्ब, रिवर पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सो उसके बाद आपको यहाँ पर लाइव बटन पर कर देना है क्लिक। सो आपकी सिंपली आवाज़ आएगी। सो देखिए मैं जैसे ही करके हूँ यहाँ पर लाइव बटन पर अपना क्लिक। सो देखिए मैं यहाँ पर लाइव बटन पर कर देता हूँ क्लिक। सो यहाँ पर हम अपने जो कि होम थिएटर्स की आवाज़ है उसको बढ़ा देते हैं वॉल्यूम को। हमारे पास यहाँ वॉल्यूम 22 हो गई है। सो अब देखते हैं लाइव का बटन ईचो के साथ। देखिए, हेलो हेलो हेलो। सो यहाँ पर इसकी वॉल्यूम कर देते हैं फुल। देखिए यहाँ पर हम फिर से बोलते हैं हेलो 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 हेलो। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर, सो देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर वॉल्यूम मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी ईचो के साथ आ रही है। ये देखिए, आपका मोबाइल बेशक बंद हो जाए पर ये माइक काम करना बंद नहीं करता। हेलो हेलो। ये देखिए आप यहाँ पर माइक के साथ अंदर आप बोल सकते हैं। सर थोड़ा सा नज़दीक आपको कर दिखाते हैं यहाँ पर। हेलो 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 हेलो। सो आप देख सकते हैं किस प्रकार से मेरी आवाज़ तो इसी के साथ धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस यार वीडियो को लाइक कर देना, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।